नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ भट्ट न्यूज, खबर नालंदा से है। नालंदा जिला खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ के द्वारा चार सूत्री मांगों को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी और नालंदा जिला पदाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी उर्वरक दुकानदारों ने एक सुर में बताया कि जो भी पटना से बाहरी टीम जांच के लिए जिले में आते हैं, उनके द्वारा बीच रोड पर ही किसान से पूछताछ कर बिना सही तरीके से जांच किए हुए विक्रेता के ऊपर एफआईआर करने का आदेश जारी कर देते हैं, जो सरासर गलत है। पदाधिकारियों के द्वारा भी खुदरा विक्रेताओं दुकानदार सरकारी रेट पर उर्वरक पदार्थों को बेचने के लिए बार बार कहा जा रहा है, जिस पर दुकानदार उर्वरक को बेचने के लिए भी तैयार हैं, मगर इन सभी पदार्थों पर कितना कमीशन तय होगा यह अभी तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा नहीं बताया गया है। सभी दुकानदारों ने प्रशासन से रेट लिस्ट की मांग की है। इसके साथ ही बाहरी जांच टीम के द्वारा जो बिना जांच किए हुए एफआईआर किया जाता है, उस पर अविलंब रोक लगे। अगर इन समस्याओं को स्थानीय प्रशासन के द्वारा दूर नहीं किया जाता है, तो अगले सप्ताह से सभी नालंदा जिला खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। जो भी खाद हम लोग को प्राप्त हो रहा है, वो अभी 260 रुपए में यूरिया प्राप्त हो रही है, और बाकी सब खादों का अभी तक कोई रेट तय किया नहीं गया है कि किस रेट में हमको मिलेगा और रेट पर हमको बेचना है। हम सभी दुकानदार रेट पर बेचने के लिए तैयार हैं, मगर हमें उसमें क्या कमीशन तय होगा ये अभी तक किसी ने हमको नहीं बताया। सारे अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आपको इतना में खाद बेचना है, हम बेचने को तैयार भी हैं, लेकिन हमको मिलेगा कितना में ये किसी कोई बताने को हमको तैयार नहीं है। हमने ज्ञापन में दिया है कि हमारे रेट का हमको लिस्ट चाहिए सर, और नहीं और जो एफआईआर का जो किया जा रहा है बाहरी टीम के द्वारा, ये सब झंझटों से मुक्ति चाहिए, और नहीं अगर ये सब समस्या सॉल्व होता है तो अगले सप्ताह से हम लोग पूरे नालंदा जिला खुदरा उर्वरक संघ हड़ताल करने जा रहे हैं अनिश्चित काल के लिए। नालंदा जिला खुदरा विक्रेता संघ की बैठक बुलाए, आफत बैठक, उसमें पूरी रामेश्वरा हुआ, चर्चा हुआ कि क्या क्या समस्या है। पहला समस्या यह है कि पटना से जो बाहरी टीम आते हैं, वो रोड पर कोई खाद लेके जा रहा है किसान, दो बड़ा चार बड़ा टमटम से ठेला से, तो पूछ लेते हैं रोडे पर कि कैसे खाद मिला, किस दुकान से लाया, तो उस दुकानदार के नाम बता देता है। सब लोग तो एक्समान होते नहीं है, झूठ भी बोल देता है, और वह से ऑर्डर कर देते हैं एफआईआर करो, जबकि सच्चाई में उनको जांच करना चाहिए। तो बाहरी टीम से पूरा नालंदा जिला खुदरा विक्रेता संघ बहुत परेशान है, इसलिए पहला मुद्दा तो ये हुआ।